बिना वजह घर से बाहर निकलना बंद, पुलिस ने मोर्चा संभाला, लोकल मेट्रो एवं मोनो सामान्य नागरिकों के लिए बंद। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र के पैर छूने को भी तैयार, राजेश टोपे। ऑनलाइन होगी राज्य के 13 यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, मुंबई। NIA ने मुंबई पुलिस के एक और कर्मी को किया गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति ने विरार अस्पताल हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रेल चलाने का अनुरोध के बाद 19 अप्रैल को पहली LMO एक्सप्रेस मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच चलाई गई। इसके बाद 22 अप्रैल को लखनऊ से बोकारो के दूसरी LMO एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा। अमेरिका भारत को नहीं देगा कोरोना वैक्सीन का कच्चा माल, कहा टीके पर पहला अधिकार अमेरिका का। विरार अस्पताल हादसे में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति ने जताया दुख, कहा अन्य मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, रामनाथ कोविंद। देश में कोरोना महामारी का हाहाकार, पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किया हाई लेवल मीटिंग। मुंबई एक बार फिर छाया वैक्सीन का संकट, 54 केंद्रों पर टीकाकरण ठप, जाने BMC द्वारा जारी अस्पतालों की सूची। विरार के कोविड अस्पताल में भीषण आग से 14 मरीजों की हुई मौत, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने कहा ये नेशनल न्यूज नहीं। मुंबई से सटे विरार के कोविड अस्पताल में लगी भीषण आग में 13 लोगों की गई जान, प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान।